वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज भी मैं आप लोग के लिए एक सीख लेकर आया हूं क्रिएटर्स की तरफ से। तो फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक, तोड़ दो लाइक बटन को, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए ये रही आईडी कर लो, वहां पर भी मैं काफी अपडेट देते रहता हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली न्यूज आ रही है वो आ रही है एजाज खान की तरफ से। जैसे कि आप सबको पता है कि भाई देश में जो है अभी किसानों का क्या मसला चल रहा है, और तो और रिसेंटली जो है कंगना रनौत ने एक ट्वीट भी की थी किसानों के प्रोटेस्ट को लेके, जहां पर जो है कंगना ने ये वाली फोटो शेयर की थी और कहा था कि इस प्रोटेस्ट में जो है दादी अम्माओं को 100-100 रुपीज दे के भेजा जा रहा है। और तो और कंगना ने जो है एक प्रोटेस्टर की शक्ल शाहीन बाग वाली बिल्किस दादी से भी मिला दी। फिर बाद में सच सामने आ गया कि वो जो दादी थी वो शाहीन बाग वाली नहीं थी, वो पंजाब के फार्मर्स को सपोर्ट करने वाली थी। तो यही प्रूफ को जो है शेयर करते हुए दिलजीत दोसांझ ने कंगना को रिप्लाई देते हुए कहा था, ए सुन ले विद प्रूफ कंगना, बंदे को इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए। और तो और दिलजीत ने ये भी कहे थे कि ये हमारी माए है और जो इनकी बेइज्जती करेगा ना वो हमारे लिए सेलिब्रिटी नहीं है, जवाब दे भाग मत। और भाई फिर इसके बाद कंगना और दिलजीत की जो है फाइट शुरू हो गई थी ट्विटर पे। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं, मैं आप लोग को सब रीड करके नहीं बता सकता, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। और मैंने आप लोग को ये स्टोरी इसीलिए बताया क्योंकि अभी मैं आप लोग को जो एजाज खान की वीडियो बताने वाला हूँ वो आप लोग को इजीली समझ में आ जाए। तो एजाज खान का भी जो है इंटरव्यू लिया गया, जहां पर उनसे किसानों के बारे में ही पूछा गया, और तो और ये जो मसला हुआ दिलजीत और कंगना का उस पर भी, तो उस पर एजाज खान ने कुछ ये कहा। देखिए कंगना रनौत पागल हो चुकी है, और जब आदमी पागल हो जाता है तो उसकी बातों को सीरियस नहीं लिया जाता। चलो ठीक है तुम्हारा पर्सनल किसी से प्रॉब्लम है तो ठीक है, मतलब तुम ऐसी लेडी जिन्होंने हर आंदोलन में अपना खून दिया है, अपना वहां पे प्रेजेंट दिया है, जो खेती करती, जो अकेली, जो 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 औरतों के लिए एक एग्जांपल है, एक उदाहरण है, उनको इस तरह से क्रिटिसाइज करना, मतलब या तो ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो काम ना मिलने से या बंबई से चले जाने की वजह से कंगना पागल हो चुकी है। बंबई से जो जाता है वो पागल हो ही जाता है, क्योंकि जो बंबई में मिलता है, जो मुंबई में मिलता है, जो महाराष्ट्र में मिलता है वो और कहीं मिल नहीं सकता। और प्लस दलजीत ने उसको अच्छा जवाब दिया, मैं बहुत खुश हूँ दलजीत पाजी। यार कंगना थोड़ा हेयर स्ट्रेटनिंग करवा लो तो थोड़ा दिमाग सीधा हो जाएगा तुम्हारा, जैसे तुम्हारे बाल कर्ली होते जा रहे हैं वैसा तुम्हारा दिमाग भी घूम चुका है जलेबी की तरह। क्यों कर रही हो यार, पीपल यूज टू रिस्पेक्ट यू, यू हर्ट लॉट ऑफ पीपल, चेंज योर सेल्फ। यार बॉलीवुड को हमेशा से जोड़ा गया हर चीज से, कुछ होता है तो बॉलीवुड में, किसी की गाय चोरी हो जाती है तो बॉलीवुड, किसी का कुछ हो जाता है तो बहुत, क्योंकि जब तक बॉलीवुड को नहीं टारगेट करोगे तो न्यूज कैसे बनेगी। और किसानों के साथ इस तरह से जुल्म होना ये सबसे बड़ी जाति है, मतलब अब तो हद हो चुकी है, बट आई एम स्टैंडिंग विद किसान जवान। तो भाई आप लोग इस पर क्या कहना चाहोगे कॉमेंट्स में जरूर बताना। वैसे जब एजाज खान से रिलेटेड बात निकली गई है तो मैं आप लोग को बता दूं कि एजाज खान को मिला अवार्ड, अब वो कौन सा है उसकी जानकारी के लिए आइए एजाज खान की स्टोरी देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएशन दादा साहब फाल्के अवार्ड, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मेरे काम को अप्रिशिएट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। गाइस अगली न्यूज आती है अदनान 07 की तरफ से। तो हो सकता है अदनान का जो है कोई न्यू सॉन्ग आए टी सीरीज के साथ, या तो हो सकता है कोई न्यू प्रोजेक्ट, और वो इसीलिए क्योंकि एड्रो फ्लो करके एक चैनल है जहां पर विशाल पांडे के साथ एक व्लॉग आया है। अगर आप लोग को ये पूरा वीडियो देखना रहेगा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन होता कुछ ऐसा है कि एड्रो फ्लो और विशाल पांडे जो है टी सीरीज की ऑफिस में जाते हैं और वहां जो है अदनान भी होता है। जी हां, तो इसी व्लॉग में से मुझे एक क्लिप मिल गई जहां पर अदनान दिखाई देता है टी सीरीज की ऑफिस में, आइए देखते हैं। बाकी हम कहां जा रहे हैं, पहले तो हमें काम है थोड़ा, कहाँ पे टी सीरीज ऑफिस में, टी सीरीज ऑफिस में। ऑलराइट गाइस, सो वी रीच्ड टी सीरीज ऑफिस। सो वी आर इन टी सीरीज ऑफिस। गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ कि मेरे दूसरे चैनल पे क्यू एन ए वीडियो आ चुका है, जिन लोगों ने नहीं देखे लिंक सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाओ जरूर से देखना, और कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, लेकिन हाँ ये वीडियो खत्म होने के बाद देखना। गाइज अगली न्यूज आती है एमिवे बंटाई की तरफ से। तो एमिवे ने जो है एक स्टोरी रिपोस्ट किए है जाना, जहाँ पर लिखा ये था मचाते रहो एमिवे अमंगस्ट टॉप 450 यूट्यूबर्स इन द वर्ल्ड, उस पर एमिवे ने कहा ग्रेटफुल। अगली न्यूज आती है मुरुनू की तरफ से। तो हुआ कुछ ऐसा कि मुरुनू ने जो है एक मेकअप वाला वीडियो अपलोड की थी जिसे जो है पोस्ट किया गया रेयर ब्यूटी की तरफ से। जी हाँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं उसी पर मुरुनू ने कहा थैंक यू सो मच, ओ माई गॉड आई कांट बिलीव। यहाँ तक कि गाइस उस वीडियो को जो है सेलिना ने भी लाइक की है। जी हाँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं उसी पर मुरुनू ने कहा एंड द क्वीन हरसेल्फ हैज लाइक द पोस्ट, बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। एंड गाइस फिर इसके बाद जो है मुरुनू ने कुछ स्टोरीज पोस्ट की है जहाँ पर उसने कहा कि और भी बहुत से सरप्राइजेस आने वाले हैं। यार दिस इज वन ऑफ द सरप्राइज जो मुझे बताना था, एंड फाइनली मैं बोलने नहीं हो रहा, मैं इतनी खुश हूँ, एंड और बहुत 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 सरप्राइजेस है।
वैसे जब मुरुनू से रिलेटेड बात निकली गई है तो चली चलते हैं अनिरुद्ध की तरफ। तो भाई अनिरुद्ध की तरफ से न्यू सॉन्ग आ रहा है जिसका नाम है नॉक नॉक। उसी को लेकर अनिरुद्ध ने कुछ कहा है, आइए देखते हैं। फाइनली हमारे सेकंड गाने का नाम हमने रिवील कर दिया है, विच इज नॉक नॉक। सो एक्साइटेड टू शो यू ऑल, बिकॉज ये प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा सेकंड गाना है, एंड यू विल गेट टू नो व्हाई। आई जस्ट लव यू गाइस सो मच, एंड बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं। और गाइस हो सकता है शायद इस सॉन्ग में जो है नगमा और अनम भी रहे, जी हाँ, क्योंकि अनिरुद्ध ने उन्हें भी टैग किए हैं। यहाँ तक कि मुरुनू और अनिरुद्ध का एक और न्यू सॉन्ग आ रहा है जिसका नाम है सिंगल है जी। यार ऐसे नाम मत रखा करो, सिंगल है जी, दिल से बुरा लगता है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। अगली न्यूज आती है हमारे जोकर की तरफ से, और भाई जोकर के हो गए हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। उसी को लेकर जोकर ने कहा है कि कुछ धमाल आने वाला है। So guys, yes, we have completed 1 million on YouTube. So something bomb is coming on YouTube. So stay tuned. बहुत ही खुशी हो रही है, बट मैं जाहिर नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। गाइस अगली न्यूज आती है कृति की तरफ से, तो रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि भाई कृति को जो है कोविड पॉजिटिव आया। जी हाँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि न्यूज आना शुरू हो गई है जिसमें यही बताया गया है कि कृति को जो है कोरोना पॉजिटिव आया है। और तो और भाई खबर ये भी आ रही है कि एक्टर मनीष पॉल उनका भी टेस्ट हुआ और वो भी कोविड पॉजिटिव आए। गाइस अगली न्यूज आती है फैसू की तरफ से, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फैसू और जन्नत की तरफ से जो है न्यू सॉन्ग आने वाला है जिसका नाम है मर्दा सारा इंडिया। तो उसी की अपडेट देते हुए रामजी सर ने ये वाली फोटो अपलोड किए और कहा, सुपर एक्साइटेड फॉर मर्दा सारा इंडिया, एडिट ऑलमोस्ट डन, स्टे ट्यून्ड। तो भाई लगता है सॉन्ग बहुत जल्द आने वाला है। अगली न्यूज आती है लकी डांसर की तरफ से, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई लकी भी जो है दुबई गया था, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ स्पेशल आ ही सकता है। तो उसने जो है अपने इंस्टाग्राम पे ये वाली फोटो अपलोड किया और कहा, ब्रिंगिंग सम सरप्राइजेस फॉर यू रियली सून 2021। तो भाई लगता है 2021 में कुछ स्पेशल आ सकता है लकी की तरफ से। और तो उसने कल के दिन जो है ये वाली फोटो शेयर किया और कुछ ये कहा, अभी मैंने अपने फीड पे एक पोस्ट किया है, सो गाइस अगर उस पे अभी मतलब एक घंटे में 20K कमेंट्स आ जाते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी अपना व्लॉग डाल दूंगा जो मैंने बनाया है दुबई में, वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। एंड यू नो मैं अपनी गर्लफ्रेंड का भी नाम बता दूंगा कि मेरी गर्लफ्रेंड कौन है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। 20K का तो पता नहीं, लेकिन एक घंटे में कुछ 4000 ही कमेंट्स हुए। गाइस अगली न्यूज आती है कैरी मिनाटी की तरफ से, तो कैरी जो है लाइव आए थे जिसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप्स निकाल लिया हूं, आइए देखते हैं। सबसे पहली क्लिप जहां पर किसी ने कहा कि बिग बॉस को लपेट लो फिर से, मतलब के वही के रोस्ट वीडियो लाओ बिग बॉस पे, जिस पर कैरी ने कुछ ये कहा, बिग बॉस को लपेट लो फिर से, लपेटेंगे जरूर लपेटेंगे, क्यों नहीं लपेटेंगे, लपेटेंगे मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। फिर किसी ने पूछा पबजी के बारे में और तो और नई वीडियो के बारे में, उस पर कैरी ने कुछ ये कहा, पबजी कब आ रही है, पबजी कब आ रही है, मुझे कैसे पता होगा, हम पबजी खेलते हैं, हम पबजी बनाते नहीं है, भाई नई वीडियो कब आ रही है, मैं नहीं बताऊंगा, मैं दिस इज माई लर्निंग, मुझे नहीं बताना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं बताना चाहिए, जब वो चीज मेरे हाथ में होगी ना बन बना के रेडी पूरी, तब मैं बताऊंगा तुम्हें कि कुछ आ रहा है, उससे पहले मैं कुछ नहीं बताने वाला तुम्हें, सिंपल सी बात। और तो और भाई कैरी मिनाटी को फीचर किया गया TMM इंडिया मैगजीन में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अगली न्यूज आती है मिस्टर मानो और रिट्स की तरफ से, तो लगता है भाई इन दोनों की तरफ से कोई म्यूजिक वीडियो आने वाला है, वो इसीलिए क्योंकि मिस्टर मानो ने जो है ये वाली स्टोरी शेयर की है जिसमें लिखा है न्यू डे न्यू शूट, और उन्होंने जो है टैग किए है जी म्यूजिक को, मतलब के भाई सॉन्ग ही होगा, उसी की शूटिंग चल रही है। और तो और साथ में जो है रिट्स भी है, मतलब के भाई इन दोनों की तरफ से सॉन्ग आ सकता है। गाइस अगली न्यूज आती है टेक्नो रोहेस की तरफ से, तो ये जो है बहुत ही बड़े स्कैम से बच गए। जी हां, होता कुछ ऐसा कि ये जो है दिल्ली में एयरपोर्ट तरफ जा रहे थे, तो बीच में जो है कुछ लोग उनको रुका लेते हैं जबकि वो प्राइवेट गाड़ी में थे, और वो लोग उनसे कहते हैं कि भाई आपने प्रॉपर मास्क नहीं पहने हैं तो आपको 6000 रुपीज फाइन देना पड़ेगा। जिसके बाद टेक्नो रोहेस के साथ जो है उनकी बहुत बहस हुई, और रोहेस का कहना ये है कि वहां पे पुलिस वाला था ही नहीं, वो कोई और ही लोग थे, मतलब कि एक तरीके से स्कैम था ये। आइए मैं आप लोगों को एक क्लिप बता रहा हूं। आप बोलते साइड में करके चालान भरो, पाई के पैसे दूं मैं, लेकिन मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, मैं कस्टम अच्छे से कानूनी तरीके से करेंगे, आपको दिखा दोस्तों, ये देखो ये यहाँ पर ये इनका आईडी है और ये सब इनका रूल है, इन्होंने क्या बताया मैं आपको समझाता हूँ, पहले सीरियस पहले अच्छे से समझो, आप अपनी सुनाते रहेंगे अपने फॉलोअर्स को, अभी लाइव गया मेरे को पहले बोल रहे हो, गाड़ी में दोस्तों प्राइवेट कार है, मास्क ऐसे मास्क मेरे जेब में नहीं था, मेरी वाइफ का भी प्रॉपर मास्क था, ठीक है, गाड़ी के अंदर यहाँ पर कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा है, 15-20 लोग खड़े यहाँ पर, मुझे बोलते हैं गाड़ी साइड में लगाओ पैसे दे, ओके चालान भरना पड़ेगा, दिखा रहे ऐसा लगा मेरी खुद की गाड़ी में बैठा हूँ, मैंने बोला पुलिस वाले को बुलाओ मैं उनके सामने पैसा दूंगा, मैं इनको नहीं जानता, और यहाँ पर 15-20 लोग खड़े थे, खाली गाड़ी में यू मास्क था तो बोलते मैंने मास्क नहीं पहना, व्हाट इज दिस यार, व्हाट इज दिस, प्राइवेट गाड़ी है, कोई लोकल गाड़ी है क्या, एक पुलिस वाला नहीं है यहाँ पर, देयर इज नो कॉप, मैंने बोला पुलिस को बोला मैं उनके सामने पैसे देता हूँ, उन्होंने मेरा फोटो खींचा कि भाई आपने मास्क ऐसे रखा, अरे मैं मानता हूँ आई एक्सेप्ट,
मैं ट्रेन में नहीं हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं है। मैं उनको जानता था कौन सी चिट्ठी लेके खड़े हो लोग। अब मेरे को बोला जाओ, जब मैं लाइव गया तब, जब मैंने बोला कानूनी कार्रवाई करूंगा तब रुक गए जाके। क्या स्कैम है ये, है भी कि नहीं पता नहीं कौन लोग। अगर दिल्ली में एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हो या कहीं पर भी कोई रोकता है, बोलो उनको पुलिस को बुलाए। चलिए बात कर लेते हैं कुछ छोटी मोटी न्यूज के बारे में। तो भाविन की वेब सीरीज आ रही है 22 दिसंबर से। राधिका की तरफ से कुछ स्पेशल आने वाला है। उसने कहा, सॉरी मैं अभी आप लोग को प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बता सकती, लेकिन जैसे ही मुझे इजाजत मिलेगी मैं आप लोग को बता दूंगी। और आशना को फीचर किया गया YouTube इंडिया के पेज पे। सो बस गाइस, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो ये रही आईडी। मिलते हैं वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। स्लैप। अबे साले रुको जरा, सब्र करो। हेलो, हाँ इजाज़ व्लॉग्स यार, बता देता हूँ पहले सबकी लाइव ना आके फाड़ के देखता हूँ। अगर किसी ने भी कुछ छोटा मोटा भी बोला ना, अगले दिन बूम, सीधा ब्रेकिंग न्यूज़। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, इजाज़ व्लॉग इन द हाउस, इजाज़ व्लॉग्स, क्या बात है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अपन ने अभी अभी यहाँ पे एजाज व्लॉग्स भी है ना, तो अपन ने अगर कुछ टॉपिक पे बात किया रहेगा तो ये लाइव है ना, यूट्यूब पे भी जा सकता है। मालूम है एजाज वॉज देयर इन द लाइव, तो अगर किसी को कुछ बोलने का है तो बोल सकते हो, एजाज यूट्यूब पे डालेगा। एंड बट गाइस हम लोग ने ऐसे लाइव में कुछ नहीं बोला है, जो बोला है जो ये डर होना चाहिए, डर होना चाहिए, ये डर मुझे अच्छा लगा। क्या हुआ, अभी तक रुके हो, गए नहीं? अनुष्का सेन का कुछ नहीं है, जा सकते हो। वैसे हाँ, Q&A वीडियो नहीं देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन में।